बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और बात करते हैं रमन सिंह की। जी हाँ, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बढ़ते नक्सली घटनाओं को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके को पत्र लिखा है। वहीं रमन सिंह के पत्र पर कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने पलटवार करते हुए कहा है कि रमन सिंह की सरकार में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, कांग्रेस का पूरा नेतृत्व तो उन्होंने समाप्त कर दिया, नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सरकार काम कर रही है। रमन सिंह और भाजपा के लोग सिर्फ सरकार की आलोचना कर सकते हैं, हाथरस में इतनी बड़ी घटना हो गई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, उसके लिए इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। नक्सली घटनाएं उनके राज में बढ़ी थी, हमारे राज में नक्सली घटनाएं कम हुई हैं। जरूर अभी कुछ इस तरह की घटनाएं कहीं हो रही, तो कुछ साजिशें भी होती हैं नक्सलियों की, तो हमारी सरकार उसको पता कर रही है और उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए सरकार काम करेगी। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया रायपुर के दौरे पर निकले। इस दौरान उन्होंने विभिन्न निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। प्राइवेट स्कूल से ज्यादा बेहतर हम सरकारी स्कूलों को बनाएं, सीएम भूपेश बघेल के निर्देश हैं। अच्छी शिक्षा देने के लिए प्राइवेट स्कूल कॉलेज तैयार किए जा रहे हैं, उसी तरह की व्यवस्था सरकारी स्कूलों में भी की जाए। उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास है कि राज्योत्सव के मौके पर इस स्कूल का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाए। निरीक्षण के दौरान मंत्री डहरिया के साथ महापौर एजाज ढेबर और नगर निगम के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। से ज्यादा बेहतर हम बनाएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि अच्छी शिक्षा देने के लिए जो प्राइवेट स्कूलें हैं, कॉलेजेस हैं, उस तरह की व्यवस्था हमारे सरकारी स्कूलों में मिले, जिससे गरीब लोगों के बच्चे भी ऐसे सरकारी विद्यालयों में पढ़ सके।